सिंपल कुकिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चंद्रमुखी। चंद्रमुखी बनाने के लिए हमें चाहिए मावा। ये मावा है हमारा 75 ग्राम, आरारोट है 25 ग्राम, चीनी है 100 ग्राम और दूध लेंगे हम आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चंद्रमुखी के लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हमने ये चीनी लिया जो 100 ग्राम, उसको कढ़ाई में डाल देंगे और इसका 1.5 गुना पानी डालकर इसकी चाशनी बनाएंगे। डालिए 1 कटोरी पानी और 1/2 कटोरी और 1.5 कटोरी हमें पानी डालना है और इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनाना, थोड़ा चिपचिपी सी चाशनी बनेगी उसी समय हम इसे गैस से उतार देंगे। जब तक चाशनी बन रही है तो हम मावा और आरारोट में दूध मिलाकर तैयार कर लेंगे। मावा और आरारोट का हमें एक डोस तैयार करना है, उसके लिए पहले हमने मावा और आरारोट को मिला दिया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। पहले हम 2 बड़े चम्मच दूध डाले हैं, उसको अच्छे से मिलाकर देख लेते हैं, ज़रूरत होगी तो और दूध डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। देखिए हमने इसमें इस चम्मच से 2 बड़े चम्मच दूध डालकर इसका एक डो तैयार कर लिया है और इसे खूब हथेली से इस तरह से हम रगड़ेंगे 3 से 4 मिनट तक। देखिए इसको अच्छे से हमने इसको अच्छे से हाथ से मसल लिया, 3 से 4 मिनट बिल्कुल मुलायम हो गया है। इसे अब हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। ये हमारी देखिए चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है, हमें बिल्कुल इसी तरह की चाशनी चाहिए। एक तार और दो तार हमें नहीं देखना है, उनका सब चिपचिपापन आ जाएगा। इसे उतार देते हैं और हम इस तरह घी रखते हैं कढ़ाई पर। देखिए मावा को ढके हुए 10 मिनट हो चुका था, 5 मिनट हम इसे कटोरी हटाते हैं और इसे वापस से फिर 1 मिनट हाथ से मसल लेते हैं। तब तक हमारा घी भी गर्म हो चुका है। इसके लिए हमने चंद्रमुखी को बनाने के लिए देसी घी लिया है। आप इसके बड़ी बड़ी एक लोई, एक साइज की एक लोई बना लीजिए, जितना चंद्रमुखी के लिए थोड़ा बड़े पेड़े जैसे बनाने रहते हैं। मैं गोल किया हाथ से, ये जो गोले बनाएंगे एकदम स्मूथ होना चाहिए, कहीं भी क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। इसको हाथ से दबाया बिल्कुल, उंगली की सहायता से वो किया और फिर इसको हम आराम से उठाकर कढ़ाई में डाल देंगे। एक बार में एक ही फ्राई करेंगे, गैस की आंच को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और आहिस्ते आहिस्ते इसके ऊपर हम ऊपर से घी डालेंगे। एक तरफ से सिकने में इसको केवल 1 मिनट का टाइम लगता है क्योंकि घी काफी तेज गर्म रहता है। इसको एक तरफ से तलते हुए 1 मिनट हुआ, ऊपर से घी डालने से ये हल्का ऊपर भी ब्राउन हो गया है। अब इसे हम पलट कर दूसरी तरफ से बिल्कुल इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब तक ये तल रहा है तो हम दूसरी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह तल गया है। अब इसको हम वापस चाशनी में, डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे और 1 चम्मच से इसको हम दबा देंगे। इसे हम हल्का सा ऐसे चम्मच से दबाकर चाशनी में डिप कर देंगे। अब हम दूसरा आपको तलकर दिखलाते हैं। इसके ऊपर हल्के हल्के घी ऊपर से डालेंगे। देखिए दूसरा भी चंद्रमुखी हमारा फ्राई होकर तैयार हो गया। उसे हम चाशनी में डालते हैं और उसे चम्मच की सहायता से चाशनी में डिप कर देंगे। एक और हम आपको तलकर दिखलाते हैं। इतने मावा में आपके 4 से 5 चंद्रमुखी बनकर तैयार होंगे। देखिए इतने मावा मैंने कहा था ना कि 4 से 5 बनेंगे, तो 4 बड़े साइज का, 1 छोटे साइज का चंद्रमुखी बना है। अब इसको हम चाशनी से निकाल कर इसकी प्लेटिंग करेंगे। चंद्रमुखी को हमने प्लेट में निकाल लिया है। चंद्रमुखी बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बस आप इसे मुंह में डालिएगा और ये खाने में घुल जाएंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे रबड़ी। ये रबड़ी मैंने घर में बनाई है, मेरे चैनल पे रबड़ी की रेसिपी पड़ी हुई है, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं या आप बाजार से भी मंगा सकते हैं रबड़ी को। इसको चारों तरफ फैला देंगे
इसमें डालेंगे महीन कटे हुए काजू 4 से 5 पीस, थोड़ा सा महीन कटे हुए बादाम महीन कटे हुए पिस्ते, बस चंद्रमुखी बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे या व्रत में, मैंने इसमें अरारोट डाला है इसलिए आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं और इसे कभी भी बना सकते हैं। आप इस चंद्रमुखी को बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।